Hello students, good morning. My name is Akanksha Mishra. Today I am going to teach you paper 5, Essentials of Management of BCom first semester. First of all, we will discuss about the syllabus of Essentials of Management. Then we will discuss about the topic. So, syllabus of unit 1, first hum isme hamara topic hai introduction. Hum isme sabse pehle dekhenge ki management ka introduction kya hai. Second topic hai nature of management. Management ka kya nature hai, yani agar hum in dono topic ki baat kare, introduction and nature of management, to isme hum introduction ka meaning, definition, features, nature, significance, yani pura overview hamara aa jayega. Next topic hai evolution of management thought, यानी management के thoughts कौन कौन से हैं, वो कहाँ से आए और वो कहाँ कहाँ तक है. फिर next है various theories and approaches, और हम लोग क्या पढ़ेंगे इस unit में, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी theories और approaches हैं. next topic is contribution of Peter F. Drucker to value creation, यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि Peter F. Drucker का क्या contribution था हमारे management में. next and last topic is the management process. अब हमें लास्ट टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें हम पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है. तो दीज ऑल दी टॉपिक कम्स अंडर द यूनिट 1. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है. अब इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन में मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं मैनेजमेंट की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग की. A process of managing things to achieve our goals effectively and efficiently. यानी अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट होता है. सिंपल वर्ड्स में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट. जैसे कि सिंपली हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज़ वॉट मैनेजमेंट डज, यानी जो मैनेजमेंट कर रहा है वही मैनेजमेंट है. ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ा था लाइन की प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग थिंग्स टू अचीव अवर गोल्स, यानी ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं. क्यों मैनेज करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. अब बात आती है कि हम कैसे अचीव करेंगे अपने गोल्स को, तो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. यानी मैं रिपीट कर रही हूँ लाइन, अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग थिंग्स टू अचीव अवर गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. अब इसमें दो की पॉइंट्स आए हैं, इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. तो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली का मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम बात करें इफेक्टिवली की, तो इफेक्टिवली का मतलब होता है इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम अचीव द गोल. यानी इफेक्टिवली कोई काम तभी कहा जाएगा जब आप उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपने काम को पूरा कर लेते हैं. जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं कि अगर आपके एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम से पहले ही अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी वो आपके लिए यूज़फुल है. बाद में एग्जाम्स के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है. वैसे ही मैनेजमेंट में होता है कि आप गिवन टाइम पीरियड में अपने गोल्स को अचीव करें. नेक्स्ट की पॉइंट हमारा था इफ़िशियंटली. जो यहाँ पे इफ़िशियंटली था, इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इफ़िशियंटली में है इफ़ वेस्ट द रिसोर्सेज, दैट मीन्स यू आर नॉट इफ़िशियंट. अगर आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट इफ़िशियंट. यानी अगर आप मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी गोल्स को अपने अचीव करेंगे, वो इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली होना चाहिए. और इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली का मैंने आपको मीनिंग भी क्लियर कर दिया है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो हमारा मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है. यानी सिर्फ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तक ही नहीं लिमिटेड है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में जनरली बात करें, तो हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है. जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉलेज आना है, तो आप कॉलेज आने के लिए भी, कॉलेज स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो उसके लिए भी आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाए, आप कितने बजे उठे जो रेडी भी हो जाए और टाइमली वहाँ पहुँच जाए. यानी आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. फिर अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट में दिया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि सारी चीज़ों को पूरा करता है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वो क्या करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. अब हम कैसे अचीव करेंगे, ये बात मैंने ऊपर बताई थी कि इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गेटिंग प्लान
organize, coordinate and control the affairs of the organization. ये सारे functions होते हैं management के. ये हम next class में अपनी discuss करेंगे कि क्या क्या functions हैं management के. But यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, मैं अभी आपको बताए दे रही हूँ कि management is required to getting plan. Management required होता है, क्यों required होता है? प्लान करने के लिए, चीज़ों को प्लान करना कि कैसे होंगी, कब होंगी, कहाँ होंगी. फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है. फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. फिर है एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उन पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आती है. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अब हम देखते हैं, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यानी जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी हम किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस. जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है. अब ये जो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस है, ये हमने अभी यहाँ डेफिनेशन में भी देखा था कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. तो मैनेजमेंट एक हमारा प्रोसेस होता है, वो ऐसा प्रोसेस है. अब ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस भी होता है, सोशल प्रोसेस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है. फिर है, अब ये आपको आगे हमारी यूनिट में एक टॉपिक भी है, मैनेजमेंट प्रोसेस. अभी सिंपली हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है. आगे की जब यूनिट में हम डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट प्रोसेस ये यहाँ पे दिया हुआ था, कहाँ पे था, एक सेकंड, मैनेजमेंट प्रोसेस ये दिया हुआ है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. फिर दिया है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है. ग्रुप एक्टिविटीज़ कैसे होती है हम कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं. फिर है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है. जैसे अभी मैंने बताया था कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह होता है. फिर है मैनेजमेंट एज अ साइंस. अब हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एज अ साइंस. तो मैनेजमेंट एज अ साइंस ऐसे है कि इसमें हम लॉजिकल चीज़ों को देखते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं. अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे अगर आप वाइट और रेड कलर को मिक्स करेंगे तो पीच कलर बन जाएगा. तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, लॉजिकल होता है. एंड लास्ट नेचर इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है. आर्ट है कैसे कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस गेट टू परफेक्शन. हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास उतना परफेक्शन आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी काम को रिपीटेड फॉर्म में करते हैं तो उससे हमारे पास स्पेशलाइज नॉलेज हो जाती है और हम परफेक्ट हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी पढ़ी हैं कि इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे टॉपिक थे, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है. इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ी है, एंड नेचर पढ़े हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू.